लक्सर में उत्तराखंड सिविल बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार कर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया गया है। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे साथी अधिवक्ताओं के संग न्यायिक अधिकारियों द्वारा मनमानी किए जाने से अधिवक्ता संगठन क्षुब्ध है। उन्होंने अन्य समस्याओं को भी बार काउंसिल के समक्ष रखा था, जिसमें अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा एवं अधिवक्ता हित की रक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। मांगे यह है न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसके संबंध में बार काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी और बार काउंसिल के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्तागण आज 17 तारीख में पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और आगे भी जो बार काउंसिल का आदेश होगा उसी के अनुसार हम अग्रिम कार्य करते रहेंगे। विरोध किन से है, न्यायिक व्यवस्था से कि जुडिशरी से? इसमें ऐसा जो न्यायिक अधिकारीगण सब तो नहीं है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता भाई सभी हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ न्यायिक अधिकारियों द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता तो उसके संबंध में है। 10/2022 को एक बार काउंसिल की सभी अध्यक्ष सचिवों की मीटिंग बुलाई गई थी और वहाँ पर एक बात पुरजोर तरीके से उठी थी कि सभी जो नए अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, उनका सम्मान नहीं करते। तो उसमें वहाँ पे एक बात उसका निष्कर्ष ये निकला था कि एक दिन का सांकेतिक धरना होना चाहिए और इन्हें अधिकारियों को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और साथियों के बात को जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके सामने पुरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए। तो उस उपलक्ष्य में फिर हाईकोर्ट की वार्ता ही होगी और उसमें ये एक बार काउंसिल की कॉल आई थी कि आज धरना रहना है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग सब धरना प्रदर्शन पर है और कोई भी किसी साथी का कोई फाइल पर कोई नुकसान नहीं होने का, कोई एडजोलमेंट नहीं जानेगी, कोई हाजिरी माफी नहीं जानेगी। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर ये धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है और चूंकि हमारे साथियों के साथ अधिवक्तागण के साथ जो जिस तरह की न्यायिक अधिकारी मनमानी करते थे या कर रहे हैं उसको लेकर के अधिवक्तागण बड़ा क्षुब्ध हैं और एक संदेश है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में मिलकर चलें और न्यायिक दृष्टि से एक दूसरे के अधिकार को हम पहचानें। और इसके अलावा भी अन्य काफ़ी समस्याएं थी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष जी ने के सामने सब लोगों ने रखी थी। उसमें यह था कि अधिवक्तागणों का एक सामूहिक बीमा होना था और अधिवक्तागणों के हितों की रक्षा के लिए जो हमारे प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं MM लामा जी, उनके निर्देशानुसार आज ये निर्णय लिया गया है, इसलिए हम यहाँ सब धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं।